हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अरुणा। दिस इज अरुणा राणा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोहे की रेसिपी। वैसे तो पोहा नॉर्मली हर किसी के घर में बनता है, लेकिन आज मैं इसको अपने अलग तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पोहा बनाने के लिए मैंने ये अप्रॉक्स 200 ग्राम पोहा लिया है। इसको मैं अच्छे से पहले वॉश कर लूँगी क्योंकि इसमें से जो है गंदगी बहुत निकलती है। ये देखिए, इसको आप अच्छे से वॉश कर लेंगे, दो तीन पानी से वॉश करेंगे आप इसे। जब तक कि पानी इसमें क्लियर ना आए, तो लीजिए ये मैंने थर्ड टाइम इसको वॉश कर रहा है और अब इसे मैं ज़्यादा वॉश नहीं करूँगी। अब मैं इसको स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी सारा पोहा, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही स्ट्रेन होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं आगे की प्रोसेसिंग करूँगी। इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के अनियन कट करे हैं और हरी मिर्च कट करी है एक, और ये नट्स लिए हैं, इनको मैं फ्राई करूँगी, और मशरूम लिया है। ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको ऐड करें ना करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो नट्स हैं उनको फ्राई करूँगी। तो लीजिए, ये हमारे नट्स जो हैं फ्राई हो गए हैं, लाइट ब्राउन कलर के। इनको फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब जो मशरूम है ना, इनको भी मैं फ्राई कर दूंगी। ये मेरे मशरूम भी फ्राई हो गए हैं। ये मैंने 250 ग्राम के लगभग मशरूम लिए थे, इनको मैं पूरा नहीं डालूंगी, हाफ डालूंगी। तो अब जो मैंने ये अनियन कट करे थे, अब मैं इसी में इनको भी फ्राई कर दूंगी। इनको भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा क्रंची क्रंची सा ये प्याज रहे ऐसे ही हमें करना है इसको फ्राई। फ्लेम जो आपको मीडियम ही रखनी है, हाई नहीं रखनी है, बस आप इसको ऐसे चलाते रहिए। इसमें हरी मिर्च भी मैं डाल दूंगी, और थोड़ा थोड़ा आप इसमें मसाले डाल लेंगे, नमक नमक हल्का ही रखेंगे, आपको जितना पसंद है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पोहा लिया है। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वैसे तो पहले से ही ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिली डाली हुई है मैंने, और थोड़ी सी हल्दी। आप इनको अच्छा हल्का सा भून लेंगे, और जो मशरूम आपने फ्राई करा था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसको मैंने और छोटे पीस में कट करा है। अब हल्का सा आप इसको कवर कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा ये मसाला भून गया है, ये हमारा स्ट्रेन भी हो चुका है पोहा। अब आप इसको इसमें ऐड कर देंगे। वैसे तो आप इसमें टमाटर भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर इसमें नहीं डालती हूँ। मैं इसमें थोड़ा मैगी मसाला ऊपर से डालूंगी, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिए। और हॉट एंड स्वीट थोड़ा सा इसमें टोमेटो सॉस डाल देंगे, और इसको अच्छे से चलाएंगे आप।
इसको और भी ज़्यादा आपको अगर टैंगी फ्लेवर का उसको करना है तो इसके लिए मैंने इमली की चटनी बनाई है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। इमली की खट्टी मीठी चटनी है, मैं उसको भी इसमें ऐड करूँगी। इससे जो है पोहा मेरा ड्राई ड्राई नहीं होगा। नट्स भी ऐड कर दिए हैं, वो मैंने पहले से फ्राई करे थे इसलिए मैंने इनको बाद में ऐड करा है। तो लीजिए मेरा पोहा रेडी है, अब इसको मैं ऊपर से धनिया की लीव्स से डेकोरेट कर दूंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये पोहा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।